कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का डंका बज रहा है, जहां देखो वहीं से ऐसा लग रहा है कि मेडल आ रहे हैं और खासकर हरियाणा के लड़कों ने, हरियाणा की लड़कियों ने जबरदस्त कमाल मचाया हुआ है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। आपको हमने बताया था कि कैसे शुक्रवार का दिन हर किसी के लिए खास रहा, एक दिन में आधा दर्जन मेडल भारत की झोली में आकर गिरे थे, जिसमें से तीन तो सिर्फ गोल्ड मेडल थे। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहलवान रवि दहिया ने कमाल कर दिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। बता दें रवि दहिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही हैं और पहली बार ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। रवि दहिया ने फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया के एबी केवे निमो विल्सन को 10-0 से हराया। मतलब जरा सोचिए, एक बार भी सामने वाले को मौका नहीं दिया अपने आप को हराने का, 10-0 ये उनका रिकॉर्ड रहा और इस जबरदस्त रिकॉर्ड से उन्होंने नाइजीरिया के विल्सन को हराया। भारत का कुश्ती में ये चौथा गोल्ड हुआ और उसके बाद भी कई सारे गोल्ड मेडल आए हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते चलते हैं। बर्मिंगम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में ही भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में विनेश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता है। बता दें आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने गोल्ड की हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार इन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इसी के साथ भारत के खाते में गोल्ड मेडल की संख्या को बढ़ा दिया है। फ्री स्टाइल 53 किलो में श्रीलंका की चामोडिया केशानी को विनेश फोगाट ने हराया। ये मैच उन्होंने एक तरफा 4-0 से अपने नाम किया। बात करें नवीन कुमार की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में नवीन कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने भी एक तरफा पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर ये मेडल जीता है। बता दें नवीन कुमार ने फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत लगातार 5वें नंबर पर आ गया है और आपको जानकर खुशी भी होगी कि भारत के जो दिग्गज हैं ये देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। आपको बता दें हर कोई इस खुशी के पल में डूबा हुआ है और इसी कड़ी में जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने दो तस्वीरें साझा की। इनमें से एक तस्वीर में बजरंग पूनिया दिख रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में विनेश फोगाट नजर आ रही हैं। रूबिका लियाकत लिखती हैं, हिंदुस्तान मेरी जान, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक 11 स्वर्ण पदक, है ना आजादी का असली स्वर्णिम काल, #commonwealthgames2022india। खैर अब हर कोई इन जाबाजों को, इन दिग्गजों को शुभकामनाएं दे रहा है, इनकी तारीफ कर रहा है। आप बताइए भारत की इस शानदार जीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं।